Draw the graph of the function fx equal to mod of x square minus 4 of mod of x plus 3. Also find the set of values of a for which the equation fx equal to a has exactly 4 distinct real roots. ठीक है, तो ये जो function fx इसका graph बनाना है, तो लिखते हैं function fx equal to mod of x square minus 4 of mod of x plus 3. ठीक, तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए इसका स्टेप बाय स्टेप ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऑफ एक्स प्लस थ्री का, उसके बाद एक्स में मॉड लगाएंगे और फिर पूरा में मॉड लगा देंगे। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऑफ एक्स प्लस थ्री का, ठीक, तो कोई फंक्शन मान लेते हैं इसको जी एक्स इक्वल टू, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री होगा और ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और दो पॉइंट पे जीरो हो रहा है, वन पर और थ्री पर। वन पे और थ्री पे जीरो हो रहा है तो वन पे एक पॉइंट लगाते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं थ्री पर, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट पर जीरो हो रहा है और जीरो पर थ्री हो रहा है ना, जी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो थ्री हो जाएगा, जीरो पर थ्री हो रहा है, तो इसका जो कर्व है वो इस टाइप का कर्व बनेगा। अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है माइनस डी बाई फोर ए। मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है माइनस डी बाई फोर ए, माइनस ऑफ डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व बाई में फोर ए, तो फोर, तो ये होगा माइनस ऑफ फोर बाई फोर मतलब माइनस वन, तो ये माइनस वन यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये ग्राफ बन गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक्स में मॉड लगाएंगे, एक्स में मॉड लगाएंगे तो हम लोग मान लेते हैं कुछ एच एक्स, एक्स एच एक्स इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री। अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं, तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस फोर ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री। देखो अगर हम लोग x से मॉड लगाएंगे, ये फंक्शन है इसमें x से मॉड लगा दिया गया, जब हम लोग कोई फंक्शन में x से मॉड लगाते हैं तब वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है और पॉजिटिव x में जो ग्राफ बना है वही ग्राफ नेगेटिव x में बन जाता है और नेगेटिव x वाला ग्राफ हट जाता है। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ का ये वाला पार्ट, ये पार्ट हट जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट वाला ग्राफ है वही पार्ट नेगेटिव x में भी बन जाएगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अच्छा ये पॉइंट था जीरो कॉमा थ्री, ये पॉइंट था जीरो कॉमा थ्री। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जब एक्स में मॉड लगा दिए तब इसका ग्राफ ये वन है, ये थ्री है और वन से थ्री तक में ही बनेगा ऐसे। ठीक है, हाँ ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट नहीं जाएगा, तो इसको फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, तो नेगेटिव चला गया था, हाँ नेगेटिव नहीं जाएगा, तो थ्री से ऐसे आएगा और वन और थ्री को कट करेगा और ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे। और जब एक्स मॉड लगा दिए तो यही जो पॉजिटिव एक्स में है जो वही नेगेटिव एक्स में आएगा सेम ग्राफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन और यहाँ पे होगा माइनस थ्री और ये ग्राफ सिमिलरली वैसा ही आ जाएगा उसका मिरर इमेज जैसा ये। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बन गया, जब एक्स में मॉड लगा दिए तब मतलब एच एक्स का ग्राफ, तो एच एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा में मॉड लगाएंगे तो एफ एक्स मिलेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू पूरा में मॉड लगाते हैं तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस फोर ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। जब पूरा का मॉड लगाएंगे तो पूरा का जब मॉड लगाते हैं तो जो नीचे में नेगेटिव पार्ट में जो है नेगेटिव वाई का जो कर्व है, जैसे नीचे आया एक्स के नीचे आया है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो एक्स के नीचे वाला पार्ट आया है वो ऊपर चला जाएगा बस, और बाकी जैसे ग्राफ है वैसे ही रहेगा। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो और वन वन यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे थ्री है और ये है माइनस वन और ये है माइनस थ्री और ये है जीरो कॉमा थ्री, ये पॉइंट है जीरो कॉमा थ्री, तो ये पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा जीरो कॉमा थ्री। ठीक है, बस ये ग्राफ ऐसे आएगा और जो पार्ट नीचे गया है एक्स एक्सिस के नीचे, पूरा मॉड लगाने से एफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए जो नेगेटिव पार्ट है वो मॉड लगने से ऊपर पॉजिटिव बन जाता है,
बस ऐसे हो जाएगा। और बाकी जो जैसे पॉजिटिव वाई में कर्व है वो पॉजिटिव वाई में ही रहेगा, तो ये कर्व यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे होगा और फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम पूरा फंक्शन में मॉड लगा दिए तो ये ग्राफ बन गया। और ये जो पॉइंट था यहाँ पे मिनिमम वैल्यू था -1, अब यही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा +1, ये जो पॉइंट है ये +1 पे होगा। तो ये हो गया ग्राफ फंक्शन का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ए हैज एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट। एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू ए का, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए मतलब वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू ए मतलब वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई को कट करेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए है तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा कौन सा लाइन होगा कि कर्व को चार पॉइंट पर कट करना चाहिए, एग्जैक्ट चार पॉइंट पर कट करना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, दो, ये तीन, ये चार पॉइंट पर कट किया। अगर हम ऊपर ड्रॉ करेंगे तो दो ही पॉइंट पर कट करेगा ना, अगर ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो दो ही पॉइंट पर कट हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ए का वैल्यू है वो 3 से लेस होना चाहिए, क्योंकि ये वाई का वैल्यू 3 है ना, 3 से लेस होना चाहिए। और ये जो 1 है जहाँ पे 1 आया है उसको टच करते हुए भी जाएगा तो भी चलेगा, देखो उसको टच करते हुए जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके नीचे अगर जाएगा, देखो ये टच करते हुए जाएगा कितना सोल्यूशन, देखो एक सोल्यूशन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो अगर टच करेगा तो 6 सोल्यूशन हो जाएगा। तो टच करने से ऊपर होना चाहिए, मतलब ए का जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 3 से लेस होना चाहिए, उसी के बीच में होगा तभी 4 सोल्यूशन मिलेगा। और एक चीज है कि अगर यहाँ से पास करेगा, यहाँ बीच से पास करेगा तब ज्यादा 4 से ज्यादा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद y इक्वल टू 0 हो जाएगा, खुद x एक्सिस होगा तो भी, अगर x एक्सिस भी होगा तो भी 4 सोल्यूशन ही होगा, है ना, एक -3, एक -1, एक 1, एक 3। तो देखो a का वैल्यू अब पता चल गया, a का वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा, ठीक है। 1 से ग्रेटर होगा, 3 से लेस होगा और साथ ही साथ 0 भी होगा, ये ए का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, तब 4 सोल्यूशन मिलेगा और एक 0 भी होगा एग्जैक्ट। तो ए का ये वैल्यू मिल गया जिसके लिए फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गया और ग्राफ बन गया। ओके।